माई नेम इज़ सोनिया रियाज एंड माई क्वालिफिकेशन इज एम्फिल बॉटनी। हमने इस कोर्स में जो पढ़ना है वो सेल बायोलॉजी के मुतलिक पढ़ना है, जेनेटिक्स और एवोल्यूशन के मुताबिक। जो कोर्स कोड है वो 402 है। इसमें हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो हम बायोमॉलिक्यूल्स पे देंगे। बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड और इसके अलावा डीएनए और आरएनए जो उसमें प्रेजेंट होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो है बायोमॉलिक्यूल्स का। बायोमॉलिक्यूल जैसे इसका नाम ही हमें बता रहा है कि बायो मीन्स लिविंग सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। ये मॉलिक्यूल जो होते हैं डिफरेंट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं और डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल में क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और ये क्या करते हैं, वेरियस फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इन फंक्शन को हम क्या कहेंगे, सेलुलर पूल। बायोमॉलिक्यूल्स की दो कैटेगरीज हैं, एक ऑर्गेनिक और दूसरे कौन से हैं, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड और फैट्स प्रेजेंट है। जबकि इनऑर्गेनिक की बात करें तो इसमें क्या आते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल, मिनरल्स और कुछ इसेंशियल मिनरल्स या आयंस भी उन्हें बोला जाता है। अब अगर मिनरल्स की बात की जाए तो मिनरल्स की दो कैटेगरी हैं फर्दर, जो एनिमल्स और प्लांट के हिसाब से। अगर प्लांट की बात की जाए तो इसमें 17 इसेंशियल आयंस होते हैं, जबकि अगर एनिमल की बात की जाए तो 24। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से जो हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इसके लिए हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया, हम उस एक्सपेरिमेंट के लिए लिविंग सेल लेते हैं। लिविंग सेल को पिस्टल और मोर्टल की मदद से क्या करते हैं, पहले ग्राइंड करते हैं थायो ट्राइक्लोरिक एस्टिक एसिड डाल के। क्लोरिक एस्टिक एसिड, इसमें क्या होता है, पिस्टल और मोर्टल की वजह से लिविंग सेल जो है उसको हम ग्राइंड करते हैं। जैसे ही उसे ग्राइंड करते हैं उसके बाद उसे फिल्टर किया जाता है। जैसे मिक्सचर हमारे पास आता है तो हम मिक्सचर को क्या करते हैं, फर्दर फिल्टर करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारा कौन सा है और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा है। फिल्टर करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए, उसके ऊपर फनल हो और फनल के ऊपर क्या है, हमारे पास एक कॉटन प्लग हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, हमारा कॉटन प्लग है। जैसे हम फिल्टर को डालेंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो नीचे बॉटम में क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो टॉप पर प्रेजेंट होंगे। जो बॉटम में चले जाएंगे वो हमें ये बता रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, कम है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स का जो वेट होता है वो एटलीस्ट 18 to 800। माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स, जबकि वो मॉलिक्यूल्स जो हमारी कॉटन पर अटैच हैं उसे हम क्या करते हैं, मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स का क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है इसलिए वो क्या होते हैं कि नीचे बॉटम में सबमिट या इकट्ठे नहीं होते। इनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 से 20,000 डाल्टन होता है। डाल्टन जो है इसका यूनिट है। इसके अलावा जो हमारे पास फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल आएगा वो है कार्बोहाइड्रेट्स। बंद करें। जो हमारे पास फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स
कार्बोहाइड्रेट का मतलब है हाइड्रेटेड कार्बन, मींस वाटर के साथ कार्बन के मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, हाइड्रेट किया जाता है। अगर कॉमन वर्ड यूज करें इसके लिए तो वो शुगर है। इसके अलावा इसे सैकराइड भी बोला जाता है। सैकराइड्स, अगर जनरल फार्मूला इसमें देखा जाए तो इसका जनरल फार्मूला CnH2O(N) जो हमें क्या बता रहा है कि इसमें कार्बन, वाटर, हाइड्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी प्रेजेंट है। अगर रेशियो देखी जाए तो 2:1 रेशियो बनती है, किसकी, कार्बन की, हाइड्रोजन की और इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन की। क्लासिफिकेशन इसकी है कार्बोहाइड्रेट्स को डिफरेंट ग्रुप में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। उसके लिए हमारे पास तीन मेन कैटेगरीज हैं। सबसे पहले जो है उसको मोनोसैकेराइड बोला जाता है, सेकंड डाइसैकेराइड, और थर्ड जो है वो पॉलीसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड की अगर एग्जांपल देखें तो इसमें क्या आता है, ग्लूकोज। डाइसैकेराइड में माल्टोज या सुक्रोज, और पॉलीसैकेराइड में स्टार्च, सेलुलोज। जो फर्स्ट हमारे पास कैटेगरी है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या होता है, सिंगल यूनिट होता है शुगर का। सिंगल यूनिट से क्या मुराद है, मतलब अगर ग्लूकोज है तो सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ग्लूकोज के होंगे, और एक या तो रिंग में अटैच होंगे या क्या होंगे, ब्रांचेस के फॉर्म में अटैच होते हैं। उसके अलावा अब अगर इसकी कैटेगरीज या इसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखा जाए तो हम इसमें क्या देखते हैं कि ये स्वीट इन टेस्ट है, स्वीट इन टेस्ट, सॉल्युबल इन वाटर, और इसके अलावा इसमें कार्बन की जो तादाद है वो 3 to 7 होती है, 3 to 7 कार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं। 3 to 7 कार्बन अगर प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, सबसे पहला कार्बन जो है वो 3 मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रायोज। 4th है तो टेट्रोज, फाइव कार्बन है तो पेंटोस, सिक्स हेक्सोस, और 7th नंबर पे आता है हमारा हेप्टोस। अब हमने ये कहा था कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है उसका जनरल फार्मूला CH2 क्या है, Na। अब अगर क्या करना है, अगर हमने इन सारे का फार्मूला निकालना है तो वो बहुत इजीली निकल सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रायोज में क्या है, 3 कार्बन है, हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है, CH2O(N). N क्या है, कार्बन नंबर है। ट्रायोज का अगर फार्मूला लिखें तो CHO। अब कार्बन के नंबर कितने हैं हमारे पास, 3। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना बनेगा, 6।
यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर वन है। अगर वन जो है थ्री के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास आंसर, थ्री ही आता है। इसी तरह नेक्स्ट पे अगर आ जाए तो हमारे पास कितने हैं, फोर कार्बन है, फोर कार्बन सी फोर एच एट ओ फोर सी फाइव एच टेन। हाइड्रोजन की क्वांटिटी जो है वो क्या होती जाएगी, डबल होती जाएगी, क्योंकि हमारे पास रेशियो क्या है, हाइड्रोजन की टू रेशियो है। हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं, मतलब वाटर के साथ इनको क्या किया गया है, हाइड्रेट किया हुआ है कार्बन को। नेक्स्ट क्या है, सिक्स, एच फोर्टीन और ओ सेवन। अब अगर इसकी एग्जांपल देखें जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो ट्राइओज है इसकी एग्जांपल में आता है ग्लिसर अल्डिहाइड। ग्लिसर अल्डिहाइड टेट्रोज की एग्जांपल है एरिथ्रोज। और पेंटोज की एग्जांपल वेरी कॉमन, पेंटोज जैसे डीएनए में या आरएनए में जो शुगर पाई जाती है उसे पेंटोज शुगर कहते हैं, और वो है राइबोज शुगर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेक्सोज। हेक्सोज की जो एग्जांपल है वो ग्लूकोज की है। ग्लूकोज सिक्स कार्बन कंपाउंड है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है हेप्टोज, और हेप्टोज की है यहां लिख लेते हैं सेफ्टो रोज। अब हमें कार्बन का क्या है फार्मूला ड्राइव करना आ गया, कि कार्बन का फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, और उसके साथ जो है हमारे पास एक जर्नल इनकी एग्जांपल भी प्रेजेंट है। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास कार्बन नंबर आए फॉर एग्जांपल सेवन से टेन तक आता है, तो हम उसकी मदद से क्या करते हैं, इसका फार्मूला इजीली निकाल सकते हैं जनरल फार्मूले से। हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो होगा हेक्सोज से। हेक्सोज में क्या है, ग्लूकोज आता है, फ्रुक्टोज आता है, ग्लैक्टोज आता है, और इसके अलावा मैनोज और जाइलोज भी क्या है, सिक्स कार्बन कंपाउंड है। लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज पर होगा। मोनोसैकेराइड में जो हमारा मेन फोकस है वो किस पर होगा, हेक्सोज पर होगा। हेक्सोज जो है वो सिक्स कार्बन कंपाउंड है। हेक्सोज की अगर जनरल एग्जांपल रिकॉल करें तो वो क्या है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्लूकोज को डिस्कस करेंगे। ग्लूकोज एल्डो शुगर है, अब एल्डो शुगर का क्या मतलब होता है, एल्डो शुगर का मतलब ये होता है कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड जो है फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हो तो हम उसे क्या कहते हैं, एल्डो शुगर कहते हैं, और अगर सेकंड ग्रुप सेकंड कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, कीटो ग्रुप बोलेंगे। यहां पर ग्लूकोज क्या है, एल्डो शुगर है। ग्लूकोज को दोनों फॉर्म में देखा जा सकता है, रिंग फॉर्म में भी और ब्रांच्ड फॉर्म में। मींस ये दोनों फॉर्म्स क्या है, आपस में इंटर कन्वर्टेबल। ब्रांच जो है वो रिंग में कन्वर्ट हो सकती है, और रिंग जो है वो किस में, ब्रांच में कन्वर्ट हो सकती है। इसमें आपके पास सिक्स कार्बन नंबर है। अगर जर्नली इसका फॉर्मूला लिखा जाए तो वो हमने कहा था कि ये क्या है, ग्लूकोज एल्डो शुगर है। सबसे पहले इसके काउंटिंग कर लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। सिक्स कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज। फर्स्ट जो कार्बन है इसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है,
बाकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर लेते हैं। जो थर्ड नंबर पर कार्बन है उस पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है उसकी ओरिएंटेशन हो जाती है। हर कार्बन के क्या है, चार जो है बॉन्ड वो कंप्लीट होने चाहिए, एक दो तीन चार। इधर अगर देखा जाए तो एक दो तीन और ये चार, एक दो तीन और ये चार, हर कार्बन का जो है वो वैलेंसी क्या हो गई है हमारे पास, सेटिस्फाइड हो गई है। ये ग्लूकोज का जनरल फार्मूला है जिसे ब्रांच्ड फार्मूला भी बोला जाता है। अब जब ग्लूकोज ब्रांच फॉर्म से रिंग फॉर्म में जाती है तो क्या होता है कि ये जो फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोजन और फिफ्थ कार्बन का हाइड्रोऑक्सल मिलकर क्या करते हैं, वाटर को एलिमिनेट करते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो जाता है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है ये कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमने कहा कि फिफ्थ वाले से हाइड्रोक्सल और फर्स्ट वाले से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। रिमूव होकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल बनता है तो क्या होता है, हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो अनस्टेबल हो जाता है। इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है वो कहाँ आ जाएगी, फर्स्ट और फिफ्थ के दरमियान। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑक्सीजन। अब क्या होगा कि जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ तो ये ब्रांच्ड फॉर्म से रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। रिंग फॉर्म में रिंग जो है वो हमेशा फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के दरमियान बनती है। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास क्या है, काउंटिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। 5 कार्बन पूरे हो गए लेकिन एक कार्बन हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। अब इस एक्स्ट्रा कार्बन को हम कहाँ अटैच करेंगे, ये जो फिफ्थ नंबर पर कार्बन है यहाँ पर इसका आर्म एक्सटेंड हो जाता है और यहाँ पर 6 कार्बन नंबर आकर अटैच हो जाता है। जैसे ही 6 कार्बन नंबर अटैच होगा तो हमारे पास जो इसकी रिंग फॉर्म है उसे हम हेक्सागोनल कहेंगे, हेक्सागोनल रिंग। हेक्सागोनल रिंग हमेशा 1 से 5 कार्बन के दरमियान में बनती है, 1 से 5 कार्बन के दरमियान में बनती है। इसमें 5 कार्बन के एटम और एक जो है वो ऑक्सीजन का एटम इन्वॉल्व होता है, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल रिंग बोलते हैं। वेरी सिंपल, ग्लूकोज का आपके पास फॉर्मूला है। इसमें क्या है कि 6 कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के साथ जो है कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है। जिस कार्बन फर्स्ट कार्बन के साथ अगर कार्बोनाइल ग्रुप अटैच हो तो उसी हम क्या बोलते हैं, एल्डो शुगर बोलते हैं। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है सेकंड नंबर पर आकर अटैच हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, कीटो ग्रुप बोलते हैं। एक जो है वो बहुत अहम बात यहाँ पर याद रखने वाली ये है कि ये जो एल्डो शुगर है या ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है ये रिड्यूसिंग शुगर है, मतलब हाईली रिएक्टिव, किसी भी कंपाउंड के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। हमने इसे ब्रांच से रिंग फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ब्रांच से रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो फर्स्ट कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है ये और फिफ्थ कार्बन का हाइड्रोऑक्सल ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल बनता है तो जो रिंग होती है वो अनस्टेबल हो जाती है। इस रिंग को स्टेबलाइज करने के लिए फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन के दरमियान ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है ये आकर प्रेजेंट हो जाता है ताकि ये जो मॉलिक्यूल है इसको स्टेबल किया जा सकता है। जैसे ही ये स्टेबल होगा तो ये क्या होता है, रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। रिंग हमेशा फिफ्थ और 1 कार्बन के दरमियान बनती है ग्लूकोज की।
ग्लूकोज की रिंग फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के दरमियान बनती है, ऑक्सीजन जो है फिफ्थ और वन के कहाँ पे आ गया, दरमियान में आ गया है। रिंग जो बनी है उसे हेक्सागोनल रिंग कहेंगे। हेक्सागोनल रिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फाइव कार्बन के कंपाउंड है और वन जो है ऑक्सीजन का कंपाउंड है। सिक्स नंबर पर जो कार्बन है वो फिफ्थ नंबर पर एक एक्सटेंडिंग आर्म होता है, उसके साथ जाकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ग्लूकोज के बाद जो हमारा मेन कंसर्न है वो इसमें क्या है, फ्रुक्टोज पर। हम यहाँ पर हेक्सो शुगर में दो कंपाउंड को डिस्कस करेंगे, एक ग्लूकोज और दूसरा क्या होगा, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का रिंग हमने बना लिया पहले, अब जो है हम नेक्स्ट बनाएंगे फ्रुक्टोज का। फ्रुक्टोज भी सिक्स कार्बन कंपाउंड है, लेकिन फर्क यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा ग्लूकोज था वो एल्डो शुगर था, जबकि फ्रुक्टोज जो है वो हमारा कीटो ग्रुप है। कीटो ग्रुप का क्या मतलब है कि जो सेकंड कार्बन है उसके साथ क्या है, फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है, जबकि एल्डो का क्या था, फर्स्ट कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच था। कार्बन के कंपाउंड सेम ही है, सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। हमने कहा कि ये कीटो शुगर है, कीटो शुगर में सेकंड कार्बन के साथ क्या है, फंक्शनल ग्रुप अटैच। अब इसकी वैलेंसी को क्या कर लेते हैं, सेटिस्फाइड कर लेते हैं। थर्ड कार्बन जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो थर्ड कार्बन पे जो थर्ड पोजीशन पे जो हमारे पास कार्बन होता है वहां क्या होता है, हाइड्रोऑक्सिल ग्रुप की ओरिएंटेशन हो जाती है। पहले हम राइट साइड पे लिख रहे थे, अब इधर आकर क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड पे इसे सिलेक्ट करेंगे। बाकी प्रोसीजर क्या है, सेम ही है। वैलेंसी कार्बन की क्या होगी, हमारे पास सेटिस्फाइड होगी, मींस हर कार्बन के पास इसके कितने हैं, चार बॉन्ड है, एक दो तीन और ये चार। नीचे वाले को अगर देखा जाए तो वो भी क्या है, दो तीन और एक चार। अब हम क्या करेंगे कि इसकी रिंग, ये इसकी ब्रांच्ड फॉर्म है। नेक्स्ट हम क्या बनाएंगे, इसमें रिंग बनाएंगे। अब यहां पर क्या होगा कि जो हमारा थर्ड कार्बन है वहां से हाइड्रोजन और फिफ्थ कार्बन का हाइड्रोऑक्सल मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे। और इसमें जो हमारे पास रिंग बनेगी उसे हम पेंटागोनल रिंग कहेंगे। ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा, दरमियान, ये टू थ्री फोर फाइव, क्योंकि ये रिंग बनेगी टू और फाइव के दरमियान। किस लिए बन रही है, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पर अटैच है। सेकंड कार्बन पर फर्स्ट कार्बन अगर अटैच हो गया एक्सटेंडिंग आर्म के जरिए, और जो फिफ्थ कार्बन है यहां पर क्या होगा, सिक्स कार्बन नंबर आकर अटैच हो जाएगा एक्सटेंडिंग आर्म के जरिए, और इस रिंग को हम पेंटागोनल रिंग कहेंगे। पेंटागोनल रिंग इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें कार्बन के फोर कंपाउंड और एक कंपाउंड क्या है, ऑक्सीजन का इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, पेंटागोनल रिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है, पहले हमने मोनोसैकेराइड को डिस्कस किया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डाइसैकेराइड को डिस्कस करेंगे, और देन जो है वो पॉलीसैकेराइड को डिस्कस करेंगे। डाइसैकेराइड जैसे इसका नाम ही बता रहा है, डाई मीन्स डो और सैकेराइड मीन
मोनो यूनिट या शुगर के यूनिट, इसमें क्या है शुगर के दो यूनिट प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें एग्जांपल हम लें तो वो माल्टोज की है। माल्टोज को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, दो यूनिट आते हैं, दो मोनो यूनिट आते हैं जो कि क्या होते हैं, ग्लूकोज के होते हैं। इसके अलावा अगर इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो ये लेस स्वीट इन टेस्ट में होते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर, और जब हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ग्लूकोज के दो अलहदा अलहदा कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज वन और ग्लूकोज टू। इसी तरह अगर ब्रांच है तो 3, 4, 5, 6 और देन जो है इसी तरह बढ़ते जाते हैं। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट कैटेगरी में आता है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड मोनो मीन वन, डाई मीन दो और पॉली मीन्स मैनी। पॉलीसेक्राइड में जो यूनिट हमारे पास अटैच होते हैं वो 1000 के हिसाब से होते हैं, 20,000, 30,000, 5,000, 10,000, 1000 के हिसाब से क्या होंगे, मोनो यूनिट अटैच होंगे। पॉलीसेक्राइड को डिफरेंट क्राइटेरिया के बिना पर इसे क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट अगर क्राइटेरिया इसका देखा जाए तो इसमें मोनो यूनिट आते हैं, मीन्स किस तरह के इसमें क्या है यूनिट प्रेजेंट है। फर्स्ट पे हमारे पास मोनोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। मोनोपॉलीसेक्राइड मीन्स वो कार्बन या वो मॉलिक्यूल जिनका फार्मूला और स्ट्रक्चर सेम होगा उसे हम होमो कहते हैं, और वो मॉलिक्यूल जिनका फार्मूला या स्ट्रक्चर जो है या मोर देन 2, 3, 4 कंपाउंड से मिलकर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रो या हेट्रोपॉलीसेक्राइड बोलते हैं। मोनोपॉलीसेक्राइड में सेलुलोज की एग्जांपल है। सेलुलोज क्या है कि जितने भी सेलुलोज में कंपाउंड प्रेजेंट है वो ग्लूकोज के हैं, सारे ग्लूकोज के हैं। ग्लूकोज के अलावा और कोई कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है। ग्लूकोज जो है वो रिंग फॉर्म में भी हो सकता है और ब्रांच फॉर्म में भी हो सकता है। जबकि हेट्रोपॉलीसेक्राइड अगर देखा जाए तो इसमें हेमी सेलुलोज की एग्जांपल आती है। लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि हेमी सेलुलोज जो है वो क्या है, मिडल लैमला के दरमियान पाया जाता है और ये केमिकल कंपाउंड है। मिडल लैमला के दरमियान पाया जाएगा, केमिकल कंपाउंड है और क्या करता था, स्ट्रेंथ को सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता था। हेमी सेलुलोज में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, उसके अलावा मैनोज, जाइलोज और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। मींस कहने का मतलब ये था कि मोनोसेक्राइड और हेट्रोसेक्राइड या हेट्रोसेक्राइड में क्या है, मोर देन 2, 3, 4 डिफरेंट कंपाउंड्स अटैच होंगे, जबकि मोनो में या होमो में क्या है, सेम कंपाउंड अटैच होते हैं। इसे मोनो भी कहते हैं और होमो भी बोला जाता है, होमोपॉलीसेक्राइड और हेट्रोपॉलीसेक्राइड। एग्जांपल होमोपॉलीसेक्राइड की एग्जांपल सेलुलोज है। सेलुलोज ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है और क्या करती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनाती है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या है कि पॉलीसेक्राइड का फंक्शन क्या है या उसका रोल क्या है। अगर फंक्शन देखा जाए तो दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, एक तो स्टोरेज का और दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल। स्टोरेज में भी देखें तो क्या आएगा, स्टार्च। स्टार्च कहाँ पाई जाती है, पोटैटो में, ट्यूबर्स में और ग्रीन्स में क्या होती है, स्टार्च होती है। स्टार्च में जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्लूकोज के होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल होंगे। ये क्या कर रहा है, पॉलीसेक्राइड को स्टोर कर रहा है। इसके साथ जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी है वो स्ट्रक्चरल की है। स्ट्रक्चरल मीन डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें सेलुलोज की एग्जांपल है। सेलुलोज क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के काम आता है। जो हमारे पास है पॉलीसेक्राइड है और पॉलीसेक्राइड कोई डिफरेंट एग्जाम्पल है हमारे पास। सबसे पहले जो हमारे पास है वो स्टार्च है, देन ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इसके अलावा काइटन, हेमी सेलुलोज और एगर, ये सारी क्या है, पॉलीसेक्राइड की एग्जाम्पल है। अगर फर्स्ट एग्जाम्पल इसकी देखी जाए तो वो क्या है, स्टार्च है। हमने पहले कहा था कि हमने इसको दो बेसिस पर कैटेगराइज किया हुआ है, एक तो फंक्शन की बुनियाद पर और दूसरा क्या है, मोनो यूनिट की बुनियाद पर। अब हम स्टार्च को देखें तो ये स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है और होमोपॉलीसेक्राइड। होमो मीन्स जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, ग्लूकोज की इसमें प्रेजेंट है। स्टार्च को फर्दर टू टाइप्स में क्लासिफाई किया है, एक अमाइलो स्टार और दूसरा क्या है, अमाइलो पेक्टिन। अमाइलो स्टार में जो बॉन्ड बनता है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। हमने ग्लूकोज में देखा था कि क्या है, जो हमारे पास दो रिंग्स आई थी, फॉर एग्जाम्पल ये ग्लूकोज की रिंग थी, एक ग्लूकोज की रिंग
ये ऑक्सीजन क्या है, दरमियान में है, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सटेंडिंग आर्म पर क्या है, 6 कार्बन नंबर, इधर भी 1, 2, 3, 4, 5 और एक्सटेंडिंग आर्म पर 6 कार्बन नंबर। अब 1 और 4th के दरमियान यहां पर जो बॉन्ड बनता है, ये वाला जो बॉन्ड है, 1 और 4th के दरमियान जो बॉन्ड बना है, इसे हम क्या कहेंगे, 1,4 ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड। अमाइलोज में जो है 1,4 ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड बनता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन में क्या है, 1,4 इसके अलावा 1,6 ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड बनता है। अब अगर 1,4 ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड को देखा जाए तो ये लीनियर फॉर्म में पाया जाता है, मीन्स इस पर कोई ब्रांचिंग नहीं होती, लीनियर फॉर्म में होता है लेकिन क्वाइल्ड। इसी तरह अगर अमाइलोपेक्टिन को देखा जाए तो इसमें 1,4 और 1,6 दोनों ब्रांचेस प्रेजेंट होंगे, 1,4 जो है वो लीनियर फॉर्म में होगी, जबकि जो 1,6 है वो ऊपर ब्रांच के फॉर्म में होगी, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो कम्पैक्ट नजर आता है। इजीली जो है हम इसे अमाइलोज और अमाइलो में डिफरेंस इजीली कर सकते हैं, वो इस वजह से कि ये जो अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है वो हाईली क्वाइल्ड है, जबकि अमाइलोज का जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर फॉर्म में पाया जाता है। और जैसे ही इसका आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या नज़र आता है, ज़्यादा क्वांटिटी जो है अमाइलोज की नज़र आती है, और उसी की वजह से इसका ब्लू ब्लैकिश कलर जो है अमाइलोज की वजह से नज़र आता है। अमाइलोज का ये जो लीनियर फॉर्म है, ये जो क्वाइल्ड हुई है, यहाँ पर आयोडीन क्या आकर हो जाता है, इंटेंगल हो जाता है, यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा। जैसे ही आयोडीन यहाँ आकर अटैच होगा तो इसका कलर हमें क्या है, ब्लू ब्लैकिश नज़र आएगा, जब हम इसको आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। उसके अलावा अगर इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो जो अमाइलोज है वहाँ पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स 200 से 2000 तक होते हैं, जबकि अमाइलोपेक्टिन में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी ही 2000 से स्टार्ट होती है, 2000 से 20,000 तक। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है, जबकि स्टार्च जो है ये सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल स्टार्च ग्लाइकोजन है। इसमें भी 1,4 ग्लाइकोस्टिक बॉन्ड ही बनेगा, होमोसेक्राइड है, होमोपोलीसेक्राइड में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सारे क्या होंगे, ग्लूकोज के होंगे, ईजिली ब्रोकन हो जाता है, कोई भी इसका बॉन्ड है वो ईजिली क्या हो जाएगा, ब्रोकन डाउन हो जाएगा। जैसे ही वो ब्रोकन डाउन होता है तो वो अगेन जो है वो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में हमारी बॉडी को जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो उसमें यूज़ हो जाती है। देन जो हमारे पास है थर्ड इसकी कैटेगरी है वो सेलुलोज है। सेलुलोज स्ट्रक्चरल है, पहले हमने ये बात डिस्कस की थी कि सेलुलोज जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में हेल्पफुल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन जो है प्लांट्स में वो सेलुलोज से होती है। इसके अलावा हेमी सेलुलोज या कोई और माइनर मॉलिक्यूल जो हैं इसके साथ आकर अटैच हो जाते हैं। सेलुलोज में और स्टार्च में या ग्लाइकोजन में सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ पर सेलुलोज में बीटा का वर्ड यूज़ होता है। बीटा जैसे ही बीटा का वर्ड यूज़ करते हैं हम तो क्या होता है, इसकी सारी ओरिएंटेशन जितने भी इसके कंपाउंड हैं उनकी ओरिएंटेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे ही ओरिएंटेशन चेंज होती है तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है वो कम्प्लेक्स हो जाता है। जितना मॉलिक्यूल कम्प्लेक्स होगा उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है। सेलुलोज के मॉलिक्यूल जो है इसमें बॉन्ड जो है वो 1,4 ही बनेगा, लेकिन साथ में बीटा का वर्ड आ गया है। जब बीटा का वर्ड आता है तो इसके लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है, स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो क्या होते हैं, बीटा को तोड़ के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही बीटा कंपाउंड टूटता है तो ये 1,4 ग्लाइकोस्टिक लिंकेज जो है वो ईजिली वाटर की एडिशन से क्या होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आज जो हमने पॉलीसेक्राइड को डिस्कस किया है इसमें स्टार्च ग्लाइकोजन और सेलुलोज को डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे उसमें हेमी सेलुलोज एगर और काइटिन के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसमें से किसी को कोई समझना आई हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। अगला जो इसका बाकी पोर्शन है वो पॉलीसेक्राइड का वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।